कुछ बोलना तो कोई संभावना सेठ से सीखे। वाह, इंटरव्यू देख लो तो मजा आ जाता है भाई। बंदी में डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वैसे हेड्स ऑफ संभावना सेठ जो भोजपुरी में ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो भोजपुरी में ऐसी उम्दा एक्ट्रेस है जो इतने दमखम के साथ बोलती है। पहली बात, अगर संभावना अपने आप को हीरोइन नहीं कहती तो भाई संभावना आप हीरोइन सही में नहीं हो, आप आर्टिस्ट हो। वो आर्टिस्ट जो पानी की तरह है, जिसको जहां मिलाओ उस रंग का हो जाता है। खैर, लेकिन संभावना ने जो इंटरव्यू हाल ही में दिया है एक YouTube चैनल को, हम आज उसी की बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि भाई अब बात करनी बनती है। पिछले बारी भी जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा था तभी भी मैंने सोचा था कि इस पर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो हो न सका। लेकिन जब मैंने दूसरा इंटरव्यू देखा तो भाई इस बार लगा कि अब बनाना जरूरी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है संभावना सेठ को हमारा वीडियो। तो भाई यहाँ हम संभावना सेठ के कसीदे नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि हम संभावना पुराण तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन नहीं, बंदी ने जो बात कही है, बंदी के बात में दम है, 100% है। और इसलिए दम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अगर अपने को गर्त में जाने से रोकना चाहती है, अगर वो चाहती है कि उसका आगे चलकर कोई वजूद हो, तो भाई संभावना सेठ की बातों को अप्लाई करना शुरू कर दे। उन डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों सभी को संकेत संभावना सेठ ने अपने इस इंटरव्यू में दिया है। खैर, आगे अब बात करते हैं कि क्या कहा और किन टॉपिक्स को लेकर संभावना भड़की हुई है। भड़की नहीं, शायद ये भड़की शब्द गलत होगा, ये अंदर का गुबार है जनाब, बड़े दिनों बाद निकला है तो निकलेगा भी तो ऐसे ही। चलिए आज कुछ सच बोल लेते हैं। अक्षरा पवन, आम्रपाली निरहुआ और खेसारी और काजल राघवानी, इन लोगों के कंधों पर भोजपुरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा ये लोग मानते हैं। लेकिन जिस दिन भोजपुरी में भी एक सिंसियरिटी आ जाएगी, वल्गैरिटी से दूर होगा इनका जहां, तो देखिएगा शायद इन तीनों स्टार्स को पूछने वालों की कमी पड़ जाएगी। क्योंकि जब लोग अच्छा सिनेमा मांगेंगे तो अच्छी स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट ही हीरो होगी। और जो ये हमारे तीनों भोजपुरिया स्टार्स, जैसा संभावना ने कहा है कि चंगुल में बंध चुके हैं, तो गलत भी नहीं कहा है। इनको इनकी जोड़ियों में कट, इन्हें इनकी जोड़ियों में आना पसंद है। संभावना ने अगर सबसे ज्यादा किसी को अटैक किया है तो वो कोई और नहीं, भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन है। जी हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया बट इशारों इशारों में आम्रपाली दुबे को उन्होंने बहुत सुनाया। अक्षरा सिंह के लिए उन्हें इस इंटरव्यू में सिंपैथी थी। अक्षरा सिंह को उन्होंने टैलेंटेड बताया और ये कहा अगर वो जोड़ियां नहीं बनाएंगी तो आगे चलकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये सभी जानते हैं कि अक्षरा सिंह टैलेंटेड है और शायद अब वो अपने टैलेंट को पहचान जाए तो उनसे बड़ा भावी सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं होगा। रही बात आम्रपाली दुबे की, तो आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे जोड़ियों में ही काम करती हैं, यानी कि निरहुआ की फिल्म में आम्रपाली दुबे का होना कंपलसरी है। और ये सब कुछ संभावना ने आम्रपाली दुबे को ही कहा है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि निरहुआ उनके अच्छे दोस्त हैं, दोस्त थे, दोस्त रहेंगे, तो यानी कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो आम्रपाली दुबे की तरफ इशारा कर रही हैं कि पहले उनकी दोस्ती निरहुआ से अच्छी थी लेकिन अब उनके साथ काफी बुरी हो चुकी है, यानी कि उनकी दोस्ती में अब वो बात नहीं रह गई है जो पहले रहा करती थी। संभावना ने यहाँ ये भी बताया कि किस तरह अगर आम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ किसी भी फिल्म में नहीं रहती हैं, तो उनके साथ कितना बड़ा हंगामा करती हैं।
आखिरकार थक हार कर निरहुआ को ये कहना पड़ता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि फिल्म में इन्हें ले लिया जाए। यहाँ शायद संभावना सेठ ने पर्टिकुलर अम्मा शब्द का यूज आम्रपाली दुबे के लिए किया है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। अब लगता है भोजपुरी की जोड़ियों के खिलाफ संभावना सेठ उठ खड़ी होंगी। वैसे संभावना सेठ को इस पर काफी सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि भाई वो गलत भी नहीं है, ये एक का नहीं कईयों का दर्द है। वैसे आपको बता दे कि संभावना अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, और यही नहीं बिग बॉस सीजन में भी जब वो थी काफी बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखती थी। वैसे इंटरव्यू के खत्म होते होते आम्रपाली दुबे को अच्छा खासा इशारा कर गई हैं संभावना सेठ। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।